एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ समर होमवर्क सब्जेक्ट इंग्लिश का। इससे पहले हमने मैथ्स और हिंदी का देखा था, तो इस वीडियो में मैं सभी वर्कशीट्स आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जुड़े रहिएगा ताकि आपको सभी के सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाएं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होमवर्क दिया गया है सभी वर्कशीट्स को अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि आपके जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी तो आपका जो ये होमवर्क है वो आपकी टीचर्स के थ्रू चेक किया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट फर्स्ट से, जिसमें यहाँ पर दे रखा है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हम इस वर्कशीट में सीखने वाले हैं फाइंड आउट करना सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो यहाँ सेंटेंस दे रखा है, समझेंगे। रोहन इज राइटिंग अ लेटर, मल्हार इज प्लेइंग कबड्डी। इन द अबव सेंटेंस रोहन एंड मल्हार आर सब्जेक्ट्स। हिंट्स, अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ वर्ब। अ सब्जेक्ट मे बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एक जो सब्जेक्ट होता है वो पार्ट होता है सेंटेंस का, कंटेन करता है वह पर्सन को, थिंग्स को, कि वो क्या क्रिया कर रहे हैं उन्हें बताने की कोशिश करता है जो सब्जेक्ट होता है। तो कर्ता किसे कहते हैं, जो जो क्रिया है उसे बताए, ठीक है, उसे परफॉर्म करने के लिए हमें बताता है। और सब्जेक्ट में भी जो सब्जेक्ट होता है वो आपका या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर, तो कौन लिख रहा है राइटिंग, हमें क्रिया के थ्रू पता चल रहा है कि रोहन लिख रहा है लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर रोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, रोहन। मल्हार ही इज़ प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी कौन खेल रहा है, मल्हार खेल रहा है। तो यहाँ पर मल्हार क्या बता रहा है हमें, कि वह सब्जेक्ट है और जो यहाँ पर क्रिया है वो है प्ले, जिसको परफॉर्म कर रहा है मल्हार, ठीक है। इसी तरह से हमें देखना है अब आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइन दी सब्जेक्ट इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको जैसे मैंने ऊपर समझाया है, इसी को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट को। फर्स्ट है मेहू कॉम्स हर हेयर, मेहू कॉम करती है उसका, उसके जो बाल हैं उसे। तो यहाँ पर कौन कॉम करती है, कौन का आंसर आ जाएगा, मैं हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा मैं हूँ। इसी तरह से सेकंड है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गा रही हूँ एक गाना, कौन गा रही है, मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई सब्जेक्ट। थर्ड है अनु इज़ डूइंग हर होमवर्क, अनु उसका होमवर्क कर रही है। तो यहाँ पर कौन होमवर्क कर रही है, अनु कौन का आंसर आ गया अनु के, तो यहाँ पर अनु क्या है, आपका सब्जेक्ट है। फोर्थ है दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, दे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। वी हैड लेफ्ट फॉर बांसवाड़ा, हमने छोड़ दिया है बांसवाड़ा, किसने छोड़ दिया है, वी, यहाँ पर कर्ता कौन है, वी, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा वी। नानू स्पीक्स इंग्लिश, नन्नू क्या है, स्पीक्स करता है इंग्लिश, इंग्लिश बोलता है, तो कौन बोलता है इंग्लिश, नन्नू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा नन्नू। ही स्वेप्स द फ्लोर, कौन साफ करता है फ्लोर को, वह, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अ कॉबलर मैंस शूज, जो कॉबलर है वो क्या बनाता है, शूज़ बनाता है, तो यहाँ पर कौन बनाता है शूज़, कॉबलर, तो यहाँ पर कॉबलर क्या है, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी मदर डेली टेम्पल जाती है, रेगुलरली टेम्पल जाती है, तो यहाँ पर कौन जाती है टेम्पल डेली, माई मदर, ठीक है। तो यहाँ पर माई मदर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। राज हैज रिटन अ पोइम, राज के द्वारा लिखी गई है एक पोइम यानी कविता, तो यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई है पोइम, राज के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा राज आपका सब्जेक्ट। उम्मीद है आपको सब्जेक्ट्स पहचानना आ गया होगा प्रत्येक सेंटेंस में। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट्स को फिल करना है फॉलोइंग सेंटेंस में। फर्स्ट है ब्लैंक आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ हो जाएगा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। सेकेंड है इज़ ड्राइविंग अ कार, कौन ड्राइविंग कर रहा है, अंश इज़ ड्राइविंग इन कार। थर्ड है इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग यानी चरना, चर रही है फील्ड में, खेत में, कौन, अ काऊ। फोर्थ है ब्लैंक बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स यानी जो अननोन होते हैं, अज्ञात होते हैं, तो अजनबी लोगों पर कौन भौंकता है, डॉग्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। फिफ्थ है हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, अब माई सेल्फ के लिए यहाँ पर करता हो जाएगा आई, आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, मैं खुद का काम खुद के थ्रू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई।
इस तरह से हमने इस वर्कशीट में देखा सब्जेक्ट को पहचाना प्रत्येक सेंटेंस में, किस तरह से आपको पहचानना होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट को, मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट सेकेंड का सॉल्यूशन, जिसमें है फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन टेबल यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। आपको टेबल गिवन है, आपको एक तरफ सब्जेक्ट दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब दी गई है, वर्ब्स दी गई है, ठीक है, और एक्स्ट्रा में जो सेंटेंस का पार्ट रहता है वो भी दिया हुआ है। तो आप इन सभी को जोड़ करके आपको क्या करना है, सेंटेंस मेक करने हैं। फ्यूचर टेंस से संबंधित सेंटेंस है क्योंकि विल शैल का यूज़ हुआ है। शैल का मैंने आपको यूज़ पहले भी बताया है, आई और बी के साथ में होता है हमेशा शैल का यूज़, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या होता है, विल का यूज़ होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस को मेक करेंगे। सब फर्स्ट से जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बन जाएगा ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। सेकेंड बनेगा शी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट डे। थर्ड आई शैल वॉच अ मूवी नेक्स्ट मंथ। फोर्थ है दे विल वाटर प्लांट्स नेक्स्ट संडे। फिफ्थ बनेगा प्रतिमा विल डांस इन पार्टी टुमारो मॉर्निंग। सिक्स बन जाएगा वी शैल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। सेवेंथ है रजनी विल सिंग अ सॉन्ग इन एनुअल फंक्शन। एट्थ है कंचन विल ड्राइव अ कार नेक्स्ट वीक। नाइन्थ बन जाएगा यू विल लिव हैप्पीली देयर। और टेन बन जाएगा पल्लवी विल क्लीन द हाउस टू डे। तो इस तरह से होता है वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड, जिसमें दे रखा है कंप्लीट द स्टोरी बाय चेंजिंग द वर्ब्स इनटू पास्ट फॉर्म। आपको चेंज करना है वर्ब्स को पास्ट फॉर्म में, लाइक एग्जांपल लिव का हो गया है जैसे लिव्ड, इसी तरह से हमें आगे भी चेंज करते हुए जाना है। तो देखते हैं इस स्टोरी को और कंप्लीट करते हैं स्टोरी को। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दे रखा है लिव्ड, दे रखा है आपको वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज। तो आप समझ ही गए होंगे कि किससे संबंधित कहानी है, टॉर्टोइज और हेयर यानी खरगोश से संबंधित कहानी है, जिसे हमने हमारे चैनल पर बहुत बार देख रखा है, बहुत बार समझ रखा है। नेक्स्ट आ जाएगा दे, यहाँ पर बी दे रखा है बेस्ट फ्रेंड्स, तो दे वर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। द हेयर वॉज, यहाँ पर वर लिख देना है आपको, मैं लिखना भूल गई हूँ तो आपको वर लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर द हेयर ब्लैंक प्राउड ऑफ हिज स्पीड, तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा वॉज हो जाएगा, द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। वन डे द हेयर यहाँ पर हो जाएगा चैलेंज द टॉर्टोइज टू हैव अ रेस। द टॉर्टोइज एग्रीड, दे बिगन, यहाँ पर बिगिन का क्या कर दिया हमने बिगन द रेस। द हेयर रन वेरी फास्ट, रन का पास्ट फ्यूचर सभी एक जैसे होते हैं, रन रन रन, तो यहाँ पर रन ही रहेगा, रन वेरी फास्ट। सीइंग हिज फ्रेंड टॉर्टोइज फार बिहाइंड ही स्टॉप्ड, स्टॉप का क्या हो जाएगा स्टॉप्ड टू टेक रेस्ट। ही फेल अस्लीप, फॉल का क्या हो जाएगा फेल। द टॉर्टोइज कंटिन्यूड हिज रनिंग एंड रीच द टारगेट। द हेयर वॉक अप After some time, he did not find his friend. He run very fast and reached the target point. The tortoise was already there. The rabbit was very sad. He lost the race. तो हमने ये कहानी तो पढ़ी रखी है कि किस तरह से खरगोश और जो टॉर्टोइज है आपस में, कछुआ जो है आपस में फ्रेंड्स होते हैं। एक दिन जो खरगोश है वो बहुत मजाक उड़ाता है टॉर्टोइज का, कछुए का, तो कछुआ कहता है कि चलो हम एक रेस रखते हैं। तो रेस में क्या होता है कि टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे चलता है और जो रैबिट होता है वो बहुत फास्ट गति से चलता है। तो क्या होता है कि वो देखता है कि बहुत पीछे है टॉर्टोइज, तो वो क्या करता है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने बैठ जाता है एक ट्री के नीचे और उसे नींद आ जाती है। तो जो टॉर्टोइज है वो कंटिन्यू चलता रहता है, इस कारण से वो उस टारगेट पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां तक उनका टारगेट रहता है रेस का। तो जैसे ही रैबिट की नींद खुलती है तो वो पाता है, बहुत तेज़ से दौड़ता है और पाता है कि टॉर्टोइज ऑलरेडी उस टारगेट पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो हमें कभी भी हमारे जो फीचर्स है उन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई कैसे भी हो, स्लो हो फास्ट हो, वो अपने आप में बेहतर होता है। तो इस तरह से इससे सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपकी स्टोरी, कंप्लीट होती है टॉर्टोइज और हेयर की। तो उम्मीद है आपको पूरी स्टोरी समझ आई होगी और किस तरह से हमने प्रेजेंट का पास्ट में चेंज करके देखा है वर्ब्स को, तो वो भी आपको समझ आई होगी। तो ये था वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें आपको दे रखा है
एक लेटर जिसमें है यू आर झलक स्टडिंग इन कॉमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर इन क्लास 8. यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लासेस. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट लीव फॉर 3 days. तो यहाँ पर आपको अपने आप को मानना है कि आप झलक हैं और आप पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर में. आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं. आपको क्या हुआ है, फीवर आ चुका है जिसके कारण आप अपनी क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है 3 दिन के अवकाश हेतु. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से. तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने जैसे उदयपुर लिख दिया है गलती से, तो आपको क्या करना है, राधा तलाई उदयपुर, यहाँ पर उदयपुर की जगह आपको जयपुर लिख देना है क्योंकि जयपुर नेम सिटी दे रखा है आपको गोकुलपुरा जयपुर. तो इस तरह से आपको लिख देना है. नेक्स्ट लिखेंगे डेट टू दी, यहाँ पर प्रिंसिपल कर देना है आपको. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी है यहाँ पर. जैसे जयपुर यहाँ पर कर देना है आपको, इसी तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल कर देना है. ठीक है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है तो आप प्रिंसिपल ही लिखेंगे. ठीक है, कॉमे सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा, सब्जेक्ट ग्रांट मी लीव फॉर 3 days. सर, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लासेस. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर्म 24/5/2022 टू 26/5/2022. आपको 24 से 26 तक छुट्टी चाहिए 3 दिन के अवकाश हेतु, 24, 25 और 26. थैंकिंग यू लिखेंगे यहाँ पर. योर ओपिनियन डी झलक, आपको अपने आप को मानना है, चाहे आप बॉय हैं गर्ल हैं और क्लास 8 का स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्लास 8. इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है. उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन भी समझ आई होगी क्योंकि बहुत बार हमने पिछले वीडियोज़ में भी एप्लीकेशन देख रखी है. नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 5th का सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको दे रखा है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नाउन्स एंड देयर काइंड्स. तो आप किस तरह से समझेंगे नाउन यानी संज्ञा को और उसके प्रकारों को, तो वो यहाँ पर हम समझेंगे. तो यहाँ पर सेंटेंस से दृष्टि रॉट अ लेटर, दृष्टि ने लिखा एक लेटर. निरेक गोस टू स्कूल डेली, निरेक डेली स्कूल जाता है. द अंडरलाइन वर्ड्स इन अबव सेंटेंस आर नाउन्स. ये दृष्टि और जो निरेक है ये हमारे संज्ञा शब्द हैं. तो संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं जो कि होता है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग फीलिंग स्टेट एक्शन एक्सेट्रा. इट इज अ नेमिंग वर्ड. ये नेमिंग वर्ड होता है नाउन. संज्ञा जो है वो आपके किसी व्यक्ति का नाम जगह और थिंग के बारे में बताता है. जो इस चीज़ को डिफाइन करता है, जो नेम को डिफाइन करता है, वो होता है आपका नाउन. तो इसी तरह को ध्यान में रखते हुए आपको अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको फाइंड आउट करने हैं नाउन. तो क्वेश्चन फर्स्ट है अंडरलाइन दी नाउन इज द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको सेंटेंसेस में फाइंड करना है नाउन्स को. श्रद्धा इज अ जेंटल वूमेन. अब यहाँ पर कौन जेंटल वूमेन है, श्रद्धा. श्रद्धा क्या है, नेम. ठीक है, लेडी का नेम है तो नेम क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञा यानी नाउन. इसी तरह से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अभी ऑनेस्टी एक भाव है जो कि एक भाव का नाम जाहिर कर रहा है. तो यहाँ पर जो है आपका नाउन है जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनेस्टी. इसी तरह से नेक्स्ट है अनंत एंड दीक्षा लिव इन उदयपुर. तो यहाँ पर कौन रहते हैं उदयपुर में, अनंत और दीक्षा. प्लेस है आपका उदयपुर, तो ये भी नाम है, तो यहाँ ये भी नाउन हो जाएगा. और जो पर्संस हैं अनंत और दीक्षा, ये भी नाउन है क्योंकि ये पर्संस के नाम हैं. फोर्थ है माई ब्रदर टीचेस इंग्लिश. अब यहाँ माई ब्रदर जो है, माई ब्रदर एक सब्जेक्ट है. कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश है सब्जेक्ट का नाम है, तो यहाँ पर जो नाउन है वो हो जाएगा इंग्लिश. ठीक है, अब माय ब्रदर है, मेरा ब्रदर है, नाम नहीं है तो ये नाउन नहीं है. ठीक है, वायरल विराल विराट, यहाँ पर विराट होना चाहिए. विराट प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पर विराल को अंडरलाइन कर देंगे. कौन खेलता है क्रिकेट, विराल. तो यहाँ पर नेम बता रहा है विराल को, तो यहाँ पर नेम हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा विराल, तो इसे अंडरलाइन कर देना है. सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड्स. आपको वर्ड्स जो गिविन है यहाँ पर, इन्हें उनके जो नाउन के पार्ट्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन हैं, उनमें डिवाइड करना है. जैसे प्रॉपर नाउन में आ जाएगा यहाँ पर मल्हार, इंडिया, गनोडा, रितेश, कमलेश. कॉमन नाउन बॉय, कॉट, हॉर्स, फ्रेंड, फादर. कलेक्टिव नाउन आर्मी, क्लास, टीम, फैमिली, ग्रुप. मटेरियल नाउन
गोल्ड सिल्वर ग्लास वाटर मिल्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूवर्ट एब्स्ट्रैक्ट यानी जिसे छू नहीं सकते हैं बट वो भाव के नाम होते हैं तो यहाँ पर ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नाउन ही होते हैं तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा पूवर्टी ऑनेस्टी लिख सकते हैं लव काइंडनेस यूथ हंगर तो इस तरह से हमने देखा नाउन्स को तो ये था वर्कशीट 5th का सॉल्यूशन उम्मीद है आपको ये वर्कशीट का सॉल्यूशन समझ आया होगा नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 6 जो कि लास्ट वर्कशीट है जिसमें आपका दे रखा है रीड द आउटलाइन केयरफुली एंड इमेजिन द इवेंट हैव यू एवर विटनेस सच एन इवेंट आपको ये जो आउटलाइंस गिवन है वो रीड करनी है केयरफुली आपको इमेजिन करना है वह इवेंट और आप अगर वहाँ पर होते तो आप क्या करते इस तरह से आपको ये सोच करके एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है तो यहाँ पर आउटलाइंस गिवन है एनुअल प्राइज ट्यूसडे चीफ गेस्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि किस चीज़ से संबंधित है ये एनुअल फंक्शन से संबंधित है तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे हमें स्टार्टिंग लाइन दे रखी है तो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे वॉज हेल्ड ऑन ट्यूसडे इन आवर स्कूल मिस्टर प्रेम कुमार द डिप्टी कमिश्नर वॉज द चीफ गेस्ट द वेलकम सॉन्ग वॉज प्रेजेंटेड बाय आवर फ्रेंड्स After that, our principal read out the annual report of the school. People enjoyed this cultural program a lot with loud clapping. After that, prize distribution take place. The chief guest distributed the shield to winner and he delivered a very motivating speech. The function ended with national anthem. तो इस तरह से हमें annual function के बारे में describe करना था तो इस तरह से हमने ये देखा तो ये था जो वर्कशीट है वो वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका वर्कशीट 6 वर्कशीट 5 वर्कशीट 4 वर्कशीट 3 वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन उम्मीद है सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको समझ आए होंगे इसी तरह हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से रिलेट देखते रहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।